हेलो लर्नर्स, कैसे हैं जी आप सब? हेलो ललिता, हाय सुमन, हाय प्रिया जना, हाय किरण, हेलो अनुष्का, हेलो खुशबू, हेलो ललिता रानी, आ जाइए, सभी ज्वाइनिंग ले लीजिए फटाफट से. गुड इवनिंग आरुषि, हेलो पूर्णिमा. लेट मी सी, वीडियो वगैरह शुरू हुआ कि नहीं शुरू हुआ. आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सभी ज्वाइनिंग ले लो. हाँ, यहाँ से तो ये सब स्टार्ट ही दिखा रहा है. हेलो मधुस्मिता रोए, आ जाइए सभी, आ जाइए. क्या हो रहा है बेट? तो खेल वीडियो शुरू नहीं हुआ बेट. हेलो लर्नर्स, कैसे हैं जी आप सब? क्या हाल चाल है आप सबके? हाय खुशबू, हाय दीपिका, हाय मधुस्मिता, हेलो सुरभि रावत. क्या हो गया, वीडियो तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा. हेलो मंजू सैनी, आएगा क्या, नहीं आएगा ना, आएगा क्या बताओ, 1 मिनट रुकिए जरा, लेट मी सी. ओके ओके ओके, फाइनली इट हैज बीन स्टार्टेड. एक्चुअली कुछ इश्यू हो रहा था, कुछ प्रॉब्लम हो रहा था जिसकी वजह से वीडियो स्टार्ट नहीं हो पा रहा था, बट नाउ फाइनली इट हैज़ बीन स्टार्टेड. हेलो दीपिका, हाय खुशबू, हाय सुरभि रावत, आ जाइए सभी का, आप सभी का स्वागत है अन अकेडमी के चैनल के ऊपर. ऑल राइट, सो गाइज, दिस इज़ अगेन मी तान्या भाटिया. आई एम यंगेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड नंबर 1 टॉप एजुकेटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड टे यूजीसी नेट कैटेगरी हेयर. ओके, तो गाइज, आज का तो आप टॉपिक समझ ही गए होंगे हम लोग क्या करने वाले हैं. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दी प्रिजनर डिलेमा के बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो गाइज, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए अन अकेडमी पर मेरी रोज़ डेली फ्री स्पेशल क्लासेस होती हैं जिसका टाइमिंग रहता है 4 PM to 4:30, ठीक है? तो वहाँ से भी आप मुझे अन अकेडमी पर भी जाके आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा. 4 to 4:30 डेली मेरा लाइव आने का टाइम होता है, ठीक है? तो गाइस, क्लासेस के अनलॉक के लिए आप लोगों से एक कोड मांगेगा, तभी वो क्लासेस अनलॉक होंगी जो फ्री वाली क्लासेस के बारे में मैं आपको बता रही हूँ. तो गाइस, टाइमिंग है 4 to 4:30 एंड माय कोड इज़ तान्या लाइव. आपने यूज़ करना है जब भी आप लोग अनअकैडमी ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है? प्लस ज्वाइन करते टाइम भी आपने अनअकैडमी पर यही कोड लगाना है और वैसे भी आपने यही लगाना है. ऑल राइट, सो गाइज, हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आज का जो हमारा टॉपिक है, दैट इज़ हम लोग अभी यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं प्रिजनर डिलेमा के बारे में. अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे. देखिए, प्रिजनर डिलेमा क्या होता है, थोड़ी सी पहले मैं आप लोगों को सिचुएशन एक्सप्लेन करूँगी और उसके बाद हम अपनी गेम थ्योरी के ऊपर आएंगे. देखिए, आप लोगों ने देखा होगा मूवीज़ के अंदर, आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस करी होगी, जब दो चोरों को गिरफ्तार किया जाता है या दो चोरों को पकड़ा जाता है, राइट? तो अभी पता है, पुलिस को पता है कि दे आर फ्रेंड्स और अच्छे वाले फ्रेंड्स हैं दोनों के दोनों, राइट? तो ये दोनों के दोनों क्या हैं, दोनों के दोनों ये दोस्त हैं, दोनों के दोनों ये फ्रेंड्स हैं. अब इनसे डील कैसे किया जाए? अगर इनको एक साथ रख कर कोशिश करी जाएगी इनसे इंटेरोगेशन करने की, तो कोई सच बोलेगा ही नहीं. लेकिन अगर इनको मैं अलग अलग रखती हूँ, अब देखो, इसे अलग रखा हुआ है तो ये भी चोर, और जो दूसरे वाला बंदा है इसे हमें सलाखों के पीछे अलग रखा हुआ है. और जब इंटेरोगेशन की जाती है, जब पूछताछ की जाती है, तो वो भी इन लोगों से क्या करी जाती है, वो भी इन लोगों से अलग अलग पूछी जाती है. दोस्तों ने चोरी करी, अब पुलिस देखो कैसे लालच देती है, आपको दिखाते हैं. ये देख रहे हो आप, ये यहाँ पे पुलिस वाले हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो सस्पेक्ट 1 और सस्पेक्ट 2. यहाँ पे आप इन्हें अपनी लैंग्वेज में जो भी नाम देना चाहो, जय और वीरू, जो भी आपको नाम अच्छा लगता है इन चोरों को आप दे सकते हो. तो इन्होंने दोनों ने यहाँ पे क्या करा है, दोनों ने यहाँ पे मिलकर चोरी करी है. ऑल राइट, अब चोरी होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, व्हाट हैपन हियर? चोरी होने के बाद जब इनको अलग अलग रखा जाता है, तो ये सोच रहा है शुड आई कन्फेस, क्या मुझे कन्फेस कर देना चाहिए. ऑल राइट, और ये क्या सोच रहा है दूसरे वाला बंदा, दूसरे वाला पहले वाले के बारे में सोच रहा है, क्या उसने कन्फेस कर दिया होगा, हैज़ ही कन्फेस. तो ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारी प्रिजनर डिलेमा के अंदर, जहाँ पे दोनों दोस्त या दोनों प्लेयर्स एक दूसरे के बारे में सोचते हैं. पहले वाला दूसरे के बारे में सोचता है क्या उसने कन्फेस कर दिया होगा, और दूसरे वाला सोचता है क्या मुझे कन्फेस करना चाहिए. तो यही है हमारा प्रिजनर डिलेमा.
और जब इनके सामने प्रॉब्लम्स चल रही है तो ये लोग किस तरीके से डील करते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, इट इज़ द वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ गेम थ्योरी। गेम थ्योरी का एक बहुत ही वेल नोन एग्जाम्पल है बल्कि ये। कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ टू क्रिमिनल, जैसे हमारे दो क्रिमिनल्स हैं जय और वीरू। अब ये दोनों के दोनों अगर कन्फेस कर देते हैं तो दोनों को कितनी सज़ा लगेगी? दोनों को 5-5 साल के लिए सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। ऑल राइट, इफ प्रिजनर वन कन्फेस बट प्रिजनर टू डज नॉट, यानी कि पहले वाले ने किया, दूसरे वाले ने नहीं किया, तो जिसने कर लिया उसको तो सज़ा तक कम मिलेगी, उसको तो सिर्फ 3 साल की मिली, लेकिन प्रिजनर टू को यहाँ पे कितनी मिलेगी? प्रिजनर टू को यहाँ पे 9 साल की सज़ा यहाँ पे मिल जाएगी, 9 ईयर्स की। ऑल राइट, अच्छा उसके बाद अगला आप लोगों का क्या है यहाँ पे? अगर प्रिजनर टू कर दे लेकिन प्रिजनर वन ना करे, तो जिसने कर दिया उसको कम मिली। और सबसे बढ़िया यहाँ पे क्या है, अगर वो दोनों ही कन्फेस ना करे तो दोनों को कितनी लगती है? तो दोनों को 2-2 साल की सज़ा लगती है। आप यहाँ पे हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया दो कैदी हैं। अब भाई अगर दोनों कन्फेस कर देंगे तो दोनों को 5-5 साल की सज़ा लगेगी, दोनों ही नहीं करेंगे तो 2-2 साल की लगेगी। एक ने कर दिया और एक ने नहीं करा, अब एक ने कर दिया उसको तो कम लगी, जिसने नहीं करा उसको ज़्यादा सज़ा लग जाएगी, है ना? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनके लिए सबसे बढ़िया चीज़ क्या है। द मोस्ट फेवरेबल स्ट्रेटेजी इज नॉट टू कन्फेस, कि वो दोनों कन्फेस ना करे। हाउ एवर, नाइदर इज अवेयर ऑफ द अदर स्ट्रेटेजी एंड विदाउट सर्टेनिटी दैट वन विल नॉट कन्फेस, बोथ विल लाइकली टू कन्फेस। अब देखो कितना अजीब डायलेमा है ना ये। इसके अंदर इनके लिए सबसे बढ़िया चीज़ है कि ये दोनों चुप्पी साझे रहें और कोई भी कन्फेस ना करे, लेकिन एक दूसरे के डर में। पहले वाला सोच रहा है कि दूसरे वाले ने ना कर दिया हो, और दूसरे वाला सोच रहा है पहले वाले ने ना कर दिया हो, तो एक दूसरे के डर में लोग क्या करते हैं, दोनों कन्फेस कर जाते हैं और दोनों को 5-5 साल की लग जाती है सजा। डायलेमा आप लोगों का यहाँ पे हो जाता है। तो गाइज, अभी हम लोग गेम थ्योरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ सेशन में। प्रिजनर डायलेमा तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ओके, सो गाइज, व्हाट इज़ दिस डोमिनेंट स्ट्रेटेजी? डोमिनेंट स्ट्रेटेजी हमारा क्या होता है? ऑल राइट, तो इसके बारे में आपको बताते हैं। अ स्ट्रेटेजी इज डोमिनेंट इफ रिगार्डलेस ऑफ व्हाट एनी अदर प्लेयर डू द स्ट्रेटेजी अर्न्स अ प्लेयर अ लार्जर पे ऑफ, यानी कि यदि कोई अन्य खिलाड़ी क्या करता है इस रणनीति से हमें फर्क नहीं पड़ता, तो वो हमारी क्या कहलाएगी? वो हमारी डोमिनेंट स्ट्रेटेजी कहलाती है, यानी कि प्रमुख रणनीति। देखिए, इस चीज़ को मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करना चाहूँगी विद द थ्रू ऑफ एग्जाम्पल। अभी थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं, कहीं आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो इस एग्जाम्पल को। लेट मी जूम इट फॉर यू, थोड़ा और जूम करते हैं आपको। हाँ, आई थिंक इतना काफ़ी है, ठीक है। देखिए, गेम थ्योरी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ताकि आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न ना हो, मैं आपको इसके लिए कुछ टिप देना चाहूँगी, और टिप के थ्रू आप लोग आराम से उस चीज़ को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो पहले जय और वीरू थे, और जय और वीरू के ही नाम बदल गए हैं थोड़े से। अब आप लोग देख सकते हैं इन दोनों के नाम क्या हो चुके हैं। इन दोनों के नाम हो चुके हैं, एक तरफ है हमारे पास जैक, ठीक है, जैक को हम रेड कलर दे देते हैं, और दूसरी तरफ है मेरे पास टॉम, तो टॉम को हम लोग ब्लू कलर दे देते हैं। दोनों के पास दो डिसीज़न है, कन्फेस करना या फिर नॉट कन्फेस करना। ऐसे ही टॉम के पास भी दो डिसीज़न है, कन्फेस करना या फिर नॉट कन्फेस करना। अभी मैं आपको कुछ चीज़ें बता रही हूँ जिससे आप बड़ी ही इजीली तरीके से गेम थ्योरी के क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। तो गाइस, जितने भी आप लोगों के आपके यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं फर्स्ट वाले एलिमेंट्स देख रहे हो, जितने भी हैं, विच आई एम मार्किंग इन, इसको मैं आपको ना रेड में मार्क करके दिखाती हूँ, क्योंकि रेड कलर हमने जैक को ब्लू में आपको मार्क करके दिखाते हैं। देखिए, जितने भी आप लोगों के ये मैं ब्लू के अंदर मार्क कर रही हूँ, ये नंबर्स किसके हैं? ये नंबर्स हैं सारे के सारे टॉम के। ऑल राइट, और जितने भी हम लोग यहाँ पे रेड में मार्क कर रहे हैं, रेड वाले नंबर्स ये सारे के सारे किसके हैं? रेड वाले सारे नंबर्स हैं जैक के। अब मैंने डोमिनेंट स्ट्रेटेजी में आपको क्या बताया है? मैंने डोमिनेंट स्ट्रेटेजी में बताया कि प्लेयर अपना बेस्ट करेगा, उसे फ़र्क नहीं पड़ता दूसरा प्लेयर क्या करता है। तो चलिए देखते हैं, अगर टॉम कन्फेस करता है तो जैक क्या करेगा? व्हाट वुड जैक डू? समझ आ रही है?
टॉम ने कन्फेस किया, तो अब आप खाली इस वाली लाइन के अंदर आप देखेंगे, मैं आपको हाईलाइट करके भी दिखा देती हूँ इसमें, ठीक है। और दूसरा, आप लोगों ने कहीं भी चीज़ नहीं देखनी जब यहाँ पे बोला गया है कि टॉम ने कन्फेस कर लिया, ऑलराइट। तो आप यहाँ पे सिर्फ इस वाली लाइन में देखेंगे, दूसरी लाइन नहीं देखोगे। टॉम की कन्फेस वाली लाइन ये है ना, तो जैक को क्या करना चाहिए? जैक अगर कन्फेस करेगा तो उसको 10 साल की सज़ा लगेगी, नहीं करेगा तो उसको कितनी सज़ा लगने वाली है? जैक को सज़ा लगेगी 20 साल की, क्योंकि रेड वाले कौन से थे? रेड वाले हैं यहाँ पे जैक के। तो अब आप खुद ही बताइए, जैक के लिए अच्छी चीज़ क्या है? जैक भाई साहब के लिए अच्छी चीज़ है कि वो यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे वो कर देंगे कन्फेस, ठीक है। क्योंकि कन्फेस में उनको कितनी सज़ा लग रही है? कन्फेस में उनको यहाँ पे सज़ा लगने वाली है, दैट इज़ ओनली फॉर दी 10 ईयर्स, ऑलराइट। अब देखो, अगर टॉम भाई साहब कन्फेस ना करें, नोट कन्फेस, सेकेंड रो के अंदर देखिए आप लोग, जैक को उस टाइम के ऊपर क्या करना चाहिए? व्हाट शुड जैक डू? क्या करेगा जैक? देखिए, जैक अगर कन्फेस करेगा तो उसको 20 साल की सज़ा लगेगी, नहीं करेगा तो फिर उसको कितनी लग रही है? तो उसको आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, रेड वाले हैं, ध्यान रखना जैक के कौन से हैं, जैक के रेड वाले हैं। तो कन्फेस करेगा तो 0 साल की लग रही है, और अगर वो नहीं करेगा तो उसको 5 साल की सज़ा लग रही है। क्या चूज़ करना चाहिए, क्या बेस्ट हुआ, बताइए जैक के लिए। हाँ देखिए, जैक के लिए बेस्ट क्या है? सज़ा नहीं चाहिए ना उसको, तो वो कन्फेस करेगा, ऑलराइट। तो आपको एक बात समझ आ रही है? क्या हुआ, चाहे टॉम ने कन्फेस किया या कन्फेस नहीं किया, हर एक हाल में जैक भाई साहब क्या कर रहे हैं? हर एक हाल में जैक कर रहा है कन्फेस, ठीक है। मतलब समझ आया? हमने अभी क्या पढ़ा था, डोमिनेंट स्ट्रेटेजी के बारे में, दैट व्हाट अदर प्लेयर इज डूइंग, उससे हम लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा। जैक की स्ट्रेटेजी उसके दिमाग में क्लियर है कि उसने हर एक हाल में क्या करना है, हर एक हाल में उसने कन्फेस करना ही करना है, ठीक है। ये किसकी है? ये अभी हम लोगों ने जैक के बारे में बात करी है, जैक के बारे में डिस्कशन करा है। नहीं, नॉट कन्फेस, देखो दोबारा देखो, आप कन्फ्यूज हो गए। हाँ मैं आपको बता देती हूँ, देखो मैंने बोला अगर टॉम नॉट कन्फेस कर रहा है तो जैक क्या करेगा, 0 लेगा या फिर 5 साल की सजा चुनेगा? 0 ही चुनेगा, तो 0 में आपका कन्फेस है, ऑल राइट। अब आप इसी तरीके से दूसरे वाले बंदे का चेक करोगे। दूसरे वाले बंदे का कैसे चेक करते हैं हम लोग, ठीक है। पहले हमने लीडर बनाया था टॉम को, लेट सपोज अब जैक भाई साहब क्या कर रहे हैं, जैक भाई साहब ने कन्फेस चुना, तो कन्फेस के हिसाब से आपने सिर्फ जो भी देखना है इस कॉलम में देखना है, और तो आप कहीं जाओगे नहीं। तो टॉम को क्या करना चाहिए? टॉम का जो आप आउटकम देखोगे, ब्लू वाला देखना, अगर टॉम कन्फेस करेगा तो उसको 10 साल की सज़ा लगेगी, लेकिन इफ़ टॉम नॉट कन्फेस तो उसको कितनी सज़ा लग रही है? उसको 20 साल की लग रही है। तो उसके लिए बढ़िया क्या है? टॉम के लिए बढ़िया है कि वो भी कन्फेस ही कर दे, दिस थिंग विल बी बेस्ट फॉर हिम, ठीक है। ऐसे ही अगर जैक भाई साहब नॉट कन्फेस करे तो क्या होगा जी? जैक भाई साहब अगर नॉट कन्फेस करे तो भी आप लोग यहाँ पे देखेंगे टॉम क्या कर रहा है, 0 वाला चूज करेगा, -5 तो चूज करेगा नहीं, तब भी वो कन्फेस ही करेगा। तो आपको एक बात समझ आई, टॉम की हर हाल में डोमिनेंट स्ट्रेटेजी क्या है? हर हाल में उसकी डोमिनेंट स्ट्रेटेजी है कन्फेस करना, ठीक है। तो गाइज, जब दोनों लोगों की डोमिनेंट स्ट्रेटेजी मिल जाती है, उन दोनों को मिलकर ही बनता है, क्या बनता है आप लोगों का? नैश इक्विलिब्रियम, यानी कि ये एक नैश इक्विलिब्रियम है, -10 -10, अगर हम लोग दोनों की डोमिनेंट स्ट्रेटेजी को देखते हुए चलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और बेस्ट चीज़ इन दोनों के लिए हो सकती है, लेकिन ये चीज़ करेंगे नहीं, -5 -5 भी एक तरीके का नैश इक्विलिब्रियम है, लेकिन ये बेचारे कभी भी इस आउटकम पे पहुंच नहीं पाते। क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि अपने सामने वाले दोस्त के ऊपर विश्वास ही नहीं होता कि यार वो गलती से भी मुंह ना खोल दे। देखिए यहाँ पे मैंने आपको ये पिक्चर दिखाई थी ना, कि एक ने भी अगर मुँह खोल दिया, शुड आई कन्फेस या शो हैज ही कन्फेस, तो फिर ये सारा का सारा गेम क्या होता है, गेम ये बिगड़ जाता है, तो दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते। इस वजह से फिर आप लोग देख सकते हो, दोनों को कन्फेस करने की वजह से 10 10 साल की सज़ा इनको यहाँ पे ये भुगतनी पड़ती है, इनको यहाँ पे ये लेनी पड़ती है, ठीक है। सो गाइज, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आप लोगों ने ये डोमेन स्ट्रेटेजी और नैश इक्विलिब्रियम किस तरीके से फाइंड आउट करना होता है। अच्छा, और आपको प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन दिखाती हूँ,
लेट मी शो यू, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए क्या होगा, बढ़िया हो जाएगा ये वाला कॉन्सेप्ट. ऑल राइट, थोड़ा सा हम इधर चलते हैं. यस, सो गाइस हियर वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पे ये दो क्या हैं, दो फार्म्स हैं. मैं इनको नाम दे देती हूँ, ठीक है? दिस इज फार्म टू, और इधर लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपको नज़र आएगी फार्म वन. इन दोनों के पास क्या ऑप्शन है जी? इन दोनों के पास ऑप्शंस है, क्या ये एडवर्टाइजिंग पे पैसा लगाए या फिर ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा लगाए. ओके, तो अब आपने इनके बारे में सोचना है कि किसको कहाँ पैसा लगाना चाहिए. तो लेट्स सपोज अबाउट, अगर फर्म वन एडवर्टाइज करती है तो फर्म टू क्या करेगी बताओ? क्या चूज करेगी? एडवर्टाइज करने पे उसको 25 का प्रॉफिट होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे उसको 70 का प्रॉफिट होता है. क्या करना चाहिए फर्म वन, फर्म टू को? क्या उसके लिए बढ़िया है? फर्म टू के लिए बढ़िया होगा यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, क्योंकि यहाँ पे उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है? अच्छा, वहीं अगर फर्म वन ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट करी होती तो फर्म टू को क्या करना चाहिए? सेकेंड रो के अंदर नज़र मारो, सेकेंड रो में नज़र मार के बताओ कि फर्म टू एडवर्टाइज करेगी या रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगी? एडवर्टाइज करेगी तो उसको 40 का प्रॉफिट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगी तो 35 का. तो ये चूज़ करेगी एडवर्टाइज करना, ठीक है? अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे फर्म टू का एक डिसीजन नहीं है, कभी ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही है, कभी ये एडवर्टाइज कर रही है. तो इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब ये है, फर्म टू हैज नो डोमिनेंट स्ट्रेटेजी. कोई डोमिनेंट स्ट्रेटेजी है ही नहीं उसकी बिल्कुल भी. ओके, चलो अगला केस देखते हैं. अभी तो मैंने यहाँ पे लीडर बनाया था फर्म वन को, अब हम अपना लीडर बनाएंगे किसको? अब हम लोग लीडर बनाने वाले हैं अपना फॉर्म टू को. तो गाइस लेट्स सपोज फॉर्म टू ने सेलेक्ट करा एडवर्टाइज करना, सिर्फ अब इस डब्बे में आ जाओ. तो यहाँ से फॉर्म वन क्या चूज़ करेगी? 50 चूज़ करेगी, 20? ये चूज़ करेगी 50, यानी कि फॉर्म वन भी एडवर्टाइज ही कराती है. ओके, अच्छा अगर फॉर्म टू ने यहाँ पे चूज़ करा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ओके, तो यहाँ पे फॉर्म वन को क्या करना चाहिए? इस वाले कॉलम में आप चेक करके बताइए. तो फॉर्म वन को यहाँ पे चूज़ करना चाहिए, क्या चूज़ कर रही है ये? 60 चूज़ करेगी ना, तो ये चूज़ करेगी रिसर्च एंड डेवलपमेंट. अब यहाँ पे देखो, फॉर्म वन का भी कुछ अता पता नहीं है, कभी ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट चूज़ कर रही है, कभी एडवर्टाइजमेंट चूज़ कर रही है. इसका मतलब फॉर्म वन के पास भी कोई डोमिनेंट स्ट्रेटेजी नहीं है, ठीक है? अब यार बड़े सारे लोगों को ये गलत फहमी होती है, अगर डोमिनेंट स्ट्रेटेजी नहीं है तो नैश इक्विलिब्रियम भी नहीं होगा. नैश इक्विलिब्रियम है उस गेम के लिए बेस्ट चीज़ क्या है, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पे देखते हो ना, अगर ये दोनों रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगाते, फॉर्म वन भी 60 कमा लेती और फॉर्म टू भी 35, तो टोटल आपका जो ओवरऑल 95 है, प्रॉफिट इज गोइंग टू बी मैक्सिमाइज. दिस इज नैश इक्विलिब्रियम प्रेजेंट इन दिस गेम, ठीक है? तो कभी भी अगर ऐसा हो कि डोमिनेंट स्ट्रेटेजी प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब आप ये मत सोचना कि यहाँ पे आप लोगों का नैश इक्विलिब्रियम नहीं होगा. नैश इक्विलिब्रियम हो सकता है, जो भी उस गेम के लिए बेस्ट आउटकम रहेगा वो आपको नजर आएगा. ओके, सो गाइज आई होप आपको ये प्रिजनर डिलेमा और गेम थ्योरी का जो मैंने कॉन्सेप्ट कराया है ये अच्छे से समझ आ गया होगा. अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एग्ज़ाम वाला क्वेश्चन, जो अक्सर आप लोगों के पेपर में दिया जाता है. लेट मी गिव इट दैट क्वेश्चन, ये देखिए. देखिए ये क्वेश्चन है आप लोगों का, दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम जुलाई 2018 के पेपर में आया था. यहाँ पे दो फॉर्म्स है, फॉर्म ए है और दूसरी तरफ है यहाँ पे मेरे पास फॉर्म टू. ओके, तो दोनों के पास क्या ऑप्शन है? फॉर्म ए के पास ऑप्शन है एडवर्टाइज करें या एडवर्टाइज ना करें. ऐसे ही आप लोगों को पता है जो हमारी फॉर्म बी है, फॉर्म बी के पास भी ऑप्शन है एडवर्टाइज करें या फिर एडवर्टाइज ना करें. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ द ट्रू फॉर द अबव गेम? ए है आप लोगों का, फर्म ए हैज़ नो डोमिनेंट स्ट्रेटेजी.
बी है आप लोगों का फर्म बी हैज़ अ डोमिनेंट स्ट्रेटेजी, सी है आप लोगों का फर्म हैज़ अ नैश इक्विलिब्रियम, नाइदर फर्म ए नोर फर्म बी हैज़ अ डोमिनेंट स्ट्रेटेजी। जूम करके दिखाऊं आपको, लेट मी शो यू, ये देखो आप देखो यहाँ से आप लोग देखिए, मैंने जूम कर दिया, आई होप अब आप लोगों को अच्छे से नज़र आ रहा होगा ना। हाँ इतना तो काफ़ी, अब तो दिख ही रहा होगा आराम से। आप देखो जी यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग हियर, यू कैन सी, और मुझे फटाफट से आंसर बताइए किसके पास है और किसके पास नहीं है, ये सारी चीज़ें आप मुझे देखकर बताएंगे। ओके तो एक बार फिर से हमारा यहाँ पे क्या होगा, नज़र मारो, अगर फर्म ए एडवर्टाइज करता है तो बी क्या सिलेक्ट करेगा, बी यहाँ पे आपका 6 सिलेक्ट करेगा या फिर 0 सिलेक्ट करेगा। बी को फ़ायदा है एडवर्टाइज करने में, ठीक है। वहीं अगर फर्म ए ने डोंट एडवर्टाइज किया, ओके, तो आप लोगों का यहाँ पे क्या होगा, देन व्हाट विल हैपन हियर, अगर फर्म ए ने यहाँ पे आपको डोंट एडवर्टाइज किया तो फर्म बी क्या करेगी, बी का फ़ायदा किस चीज़ में आप लोगों को नज़र आ रहा है, एडवर्टाइज करने पे 9 और डोंट एडवर्टाइज करने पे 2, तो बी तो एडवर्टाइज ही कर रही है हर हाल में, इसका मतलब फर्म बी के पास डोमिनेंट स्ट्रेटेजी है। और डोमिनेंट स्ट्रेटेजी होने से आप लोगों का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी तो आप लोगों का सही हो ही गया। ओके चलिए उसके बाद अगली चीज़ आप लोग देखिए, अगली चीज़ यहाँ पे क्या है, अब फर्म बी को लीडर बनाते हैं, अगर फर्म बी ने एडवर्टाइज किया तो फर्म ए क्या करेगा, तो फर्म ए एडवर्टाइज करेगा क्योंकि उसको 11 का प्रॉफिट है, लेकिन अगर फर्म बी ने डोंट एडवर्टाइज किया तो फर्म यहाँ पे क्या कर रहा है, तो फर्म यहाँ पे डोंट एडवर्टाइज कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्म ए फिक्स नहीं है, पहले उसने एडवर्टाइज किया फिर उसने डोंट एडवर्टाइज किया, राइट, गॉट इट। तो गाइस इसका मतलब यहाँ पे ये है कि फर्म ए की डोमिनेंट स्ट्रेटजी नहीं है लेकिन बी की है, ए ऑप्शन भी सही है, बी भी सही है। गेम हैज़ अ नैश इक्विलिब्रियम, बिल्कुल भाई इस गेम का नैश इक्विलिब्रियम तो होगा ही, अगर ये दोनों लोग एडवर्टाइज पे पैसा खर्च कर देते या फिर ये दोनों लोग कोई भी एडवर्टाइज ना कराते तब भी आप इनको प्रॉफिट होता हुआ देखने के लिए मिलता। तो गाइज यहाँ पे ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी क्यों गलत है, डी के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। डी में यार ये बोलता है आप लोगों को, व्हाट इट इज़ सेइंग, बेसिकली डी में आप लोगों के साथ ये डिस्कशन कर रहा है या बात जो है, दैट द गेम हैज़ ना तो ए के पास डोमिनेंट स्ट्रेटजी है ना बी के पास स्ट्रेटजी डोमिनेंट स्ट्रेटजी है, ये बोल रहा है। तो ऐसा तो हुआ नहीं ना, हमारे ऑप्शन के हिसाब से ए के पास नहीं थी लेकिन बी के पास थी और नैश इक्विलिब्रियम भी था, तो सिर्फ आपने डी को एलिमिनेट करना था। और जैसे ही गाइज आप लोग यहाँ पे डी को आप अपना एलिमिनेट करते वैसे ही आप लोगों के पास क्या आ जाता, आपके पास आंसर आ जाता, एंड आंसर विल कमिंग आउट टू बी, कौन सा आंसर आएगा यहाँ पे, ए बी सी, ठीक है। मैं यहाँ पे मार्क करके तो नहीं दिखा रही है आपको, स्क्रॉल कर सकती हूँ मैं यहाँ पे, ए बी सी यानी कि फोर्थ वुड बी द राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे होना चाहिए था। ओके सो गाइस इस तरीके से आप लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो अपना नैश इक्विलिब्रियम और डोमिनेंट स्ट्रेटजी वाले कॉन्सेप्ट को कि किस तरीके से आप लोगों ने इसे यहाँ पे निकालना होता है। ऑल राइट, हेलो सीमा बेगम। सो गाइज आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा प्रिजनर डिलेमा और गेम थ्योरी का जो हमारा कॉन्सेप्ट है। एंड गाइज आप लोग मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर लीजिएगा अगर अभी तक फॉलो नहीं किया है। कैसे करना है फॉलो, आप फटाफट से जाइए वहाँ पे सर्च कीजिए प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड कीजिए और यहाँ पे मेरा नाम सर्च करना तान्या भाटिया। जैसे ही सर्च करोगे इस तरीके से मेरी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी और जैसे ही आप यहाँ पे मेरी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी आप यहाँ पे मेरी
फ्री के कोर्सेज, फ्री के लेसन्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपसे सिर्फ कोड मांगेगा, तो कोड मेरा आपके पास है ही है, दैट इज़ यू हैव टू यूज़ तान्या लाइव, TANYALIVE, आप लोगों ने यूज़ करना है। एंड गाइज, ऑल दोस्त लाना जिन्होंने प्लस ज्वाइन करना है, जो मेरा पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, जिसमें मैं आप लोगों को क्या क्या करवाती हूँ, कंप्लीट कोर्स देती हूँ 10 यूनिट का, PYQs करवाती हूँ 2005 से लेके 2020 वाले, रिवीजन होता है, मॉक टेस्ट मिलते हैं, ठीक है, ये सारा स्टफ आपको दिया जाता है अनअकैडमी के ऊपर। तो अगर आप ये पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब्सक्रिप्शन का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके अपना ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन। और डोंट फॉरगेट टू यूज़ माई कोड तान्या लाइव, आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है, TANYALIVE, इससे आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा और पेपर वन फ्री भी मिलेगा। एंड गाइज, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन, यू कैन व्हाट्सएप मी और कॉल मी ऑन दिस नंबर 9818369115 के ऊपर आप लोग मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो गाइज, आई होप यू लाइक दिस सेशन, और मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड गाइज, तान्या इकॉन के नाम से मेरा यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल है, वो भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर करना, वहाँ पे भी डेली मैं आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स की कॉन्सेप्चुअल वीडियो पोस्ट करती हूँ, तो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, और मिलते हैं अब आपसे रात को 10 बजे प्लस के क्लास।